तो भाई चलेला से अब चला जाए यहाँ से, बहुत सारे प्रेयर फ्लैग्स, बहुत सारा प्रेयर हो गया, अब प्रेयर होने के बाद तो अब यहाँ से चलना चाहिए। भाई क्या नज़ारे हैं, इस नज़ारे को छोड़ के जाने का मन तो नहीं कर रहा है, लेकिन क्या करें, जाना पड़ेगा। ठंड भी बहुत लग रही है, हाथ वाथ की हालत देखो यार कैसा हो गया है हाथ। भाई साहब 2000 रील बना दिया यहाँ पे, 2000 फोटो ले लिया, और 2000 फोटो लेने के बाद जो है अब चलते हैं यहाँ से। भाई चलेला को बाय गुड बाय करते हुए अब जो है यहाँ से जो जर्नी शुरू होगी वो होगी हा वैली की। और हा वैली पिछली बार जब आए थे हम यहाँ पे तो जा नहीं पाए थे क्योंकि बहुत ताबड़तोड़ यहाँ पे जो है ना बर्फबारी हो गई थी, तो इस बार आपको हा वैली भी दिखाएंगे। ठंड इतनी लग रही है ना कि आवाज़ भी कांप रहा है, यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त ठंड थी, हवा इतनी तेज थी ना, इतनी तेज थी कि क्या ही बताऊँ यार। पुराना जो है ना लद्दाख वाला सीरीज में जो था ना, और स्पीति वाले सीरीज में यही हालत हो रहा था हमारा, और सेम ठंड जो है ना यहाँ पे भी लग रही है। अभी तक तो हमें भूटान में इस ठंड का जो है ना एहसास नहीं हुआ था, आज अभी इस पॉइंट पे आने के बाद जो है बहुत ज़बरदस्त ठंड का एहसास हो गया भाई। तो हा वैली अब यहाँ से 21 किलोमीटर है, और 21 किलोमीटर में टाइम जो लगना है वो है 42 मिनट्स। और यहाँ पे पेड़ वगैरह देखो यार, कितना ज़बरदस्त घना घना पेड़ है, और हर पेड़ के ऊपर भी जो ना वो कॉमन सलेज जो बोलते हैं ना वो हो रखा है, तो इसका मतलब है यहाँ पे अभी बारिश वगैरह ना बहुत होती है, तो ये बहुत अच्छा होता है किसी भी फॉरेस्ट के लिए ना, ये एक निशानी होती है कि ये बहुत ही रिच फॉरेस्ट है। ऊपर ठंड में ना खड़े खड़े ना हमें जो है ना सुसु आ गई भाई, और ऐसा था कि यहाँ पे ओपन में डेफिकेशन या फिर यूरिनेशन नहीं कर सकते, बहुत हेप्टी फाइन है भाई। और वहाँ पे बोर्ड भी लगा हुआ दिख गया था, तो भाई सुसु ने बोला कोई बात नहीं, हम रुक लेंगे थोड़ी देर, हम कहीं जाएंगे जहाँ पे कि मिलेगा यूरिनल, जो भी टॉयलेट जो भी होगा एकदम प्रॉपर सा वहीं पे करेंगे यार, ऐसे ओपन में नहीं करेंगे क्योंकि 10,000 जो है रुपये का जो है फाइन है भाई, तो वो तो हम चाहते नहीं है। सो फाइनली वी आर इन टू हा वैली, और हा वैली के अंदर हम पहुंच चुके हैं, और एक आध दो किलोमीटर और रह रहा है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, लेकिन हाँ खूबसूरत तो बहुत है हा वैली। एक हाँ एक्चुअली एक गांव है जहाँ की क्या है वो तो हमें भी नहीं पता, अब हम पहुंच करके ही बताएंगे आपको कि है यहाँ पे क्या देखने लायक। लास्ट टाइम पहुंच नहीं पाए थे इसलिए इन्फॉर्मेशन इनकम्प्लीट रह गया, तो इस बार सोचा सिलेबस पूरा कर ही लेते हैं। क्लियर वाटर is coming from Tibet. Yes, oh, basically China is China's Achha. river. Yes. अच्छा, ये बहुत अच्छा किया आपने ले लिया, नहीं सही बात है, और क्या चाइना का कोई भरोसा नहीं है साला, कोरोना का एकदम झंड कर दिया पूरा वर्ल्ड का। चलो यहाँ पे कुछ खाएंगे, यहाँ पे भूटान फ्लावर एग्जीबिशन लगता है भाई, और ये फाइनली हा वैली है, हा वैली का जो गांव है सारे घर एक ही जैसे हैं, पूरे भूटान में एक ही जैसा घर दिखाई देगा, और ये जो स्ट्रक्चर का जो मतलब बनावट है ना लकड़ी का, एंड देन ऊपर ऐसे छत, ये सारे ही जगह दिखाई देगा आपको भाई। जैसे आपने देखा था पारो का मार्केट, तिम्फू का मार्केट दिखाऊंगा, तो ये जो है ये हा का मार्केट है, और दोनों तरफ रेस्टोरेंट हैं, और इस साइड भी बहुत सारे शॉप्स वगैरह हैं, तो अगर आपको कुछ लेना हो तो यहाँ से भी ले सकते हो आप। कौन भौंक रहा है भाई, नहीं उधर वो भाई लोग को बुला रहा है भाई। यहाँ पे एक एंडोवर दिखी, एंडोवर तो अपना पोर्ट तो यार अपना प्यार है, कोई बात नहीं इंडिया से चली गई तो क्या हुआ, कोई टेंशन नहीं है। ये पुराना वाला इंजन है इसमें 3.2 लीटर का इंजन, यार क्या हो गया भाई, काहे भूक रहे हो, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है? हाँ हम नए आए हैं यहाँ पे, चलो भाई अब कुछ खाया पिया जाए इससे पहले कि भूख के मारे हालत ख़राब हो जाए। हा वैली में जो है अब रेस्टोरेंट की खोज चल रही है, टिन भैया है ना,
कैप्टन भैया लेके जाएंगे हमें कहीं पे रेस्टोरेंट में, कोई मस्त जबरदस्त कुछ खाना वाना खिलाएंगे, क्योंकि बहुत जोर की भूख लगी है भाई, बहुत जोर की भूख लगी है अब। तो भाई भैया ने बताया यहाँ पे जाना है, यहाँ पे वेज फूड मिल जाएगा आज, तो चलते हैं देखते हैं क्या है खाने के लिए। भाई वहाँ पे वेज खाना नहीं मिला तो हमने सोचा चलो अब यहाँ ट्राई करते हैं, यहाँ देखते हैं भाई यहाँ कुछ वेज वगैरह कुछ मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। वही नीट एंड क्लीन वॉशरूम देख करके ना सजना सवरना शुरू कर दिया। और सजना सवरना क्या है, मतलब दो बार लड़कों का सजना सवरना क्या होता है, दो बार सर पे बाल ऐसे ऐसे कर लिया, पानी वानी लगा लिया, हो गया सजना सवरना। तो अरे ये क्या है, अ ड्रॉप ऑफ वाटर इज वर्थ मोर देन अ स्टैक ऑफ गोल्ड टू अ थर्स्टी मैन, बहुत सही लिखा हुआ है भाई, बहुत सही लिखा हुआ है। चलो और ये है रेस्टोरेंट, देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है भाई, ऑलरेडी बैठ गया, जैकेट वैकेट खोल के अंदर, थोड़ा सा गम है ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण। और यहाँ से व्यू देखो भाई, आहा मज़ेदार भाई। एक दिन हमें हाँ में भी रुकना चाहिए था क्या? हाँ। रुक सकते थे एक दिन हाँ में। तुम खाओगे ना? हाँ मैं तीखा वाला सॉस खाऊंगा, तुम जो है नॉर्मल वाला सॉस। मैं सॉस ही नहीं खाऊंगा। रिस्क ही नहीं लेना लाइफ में। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं लेना। तो भाई एक ही चाउमीन मंगाया? एक ही। हाँ गुड गुड गुड, अच्छा गया। मैं यही बोलने वाला था कि भाई कहीं तुमने दो तो नहीं बोल दिया, पता चला पैक करके कल भी खाना पड़ेगा। भाई देखने में तो बहुत ही जबरदस्त लग रहा है रेस्टोरेंट विद दिस व्यू, क्या बात है। और आप कहीं भी चले जाओ ना पूरे भूटान में, रॉयल फैमिली जो राजा हैं उनकी फोटोग्राफ हर जगह लगी मिलेगी। और ये रहा ये रहा, एंड दे वर्शिप इट लाइक एनीथिंग। इसको जो है ना कंट्री ऑफ थंडर ड्रैगन भी बोलते हैं। ये देखो यहाँ पे उसका एक अवशेष लगा हुआ है। खाना वाला काम तो कंप्लीट हुआ भाई, पेट में अन्न आ गया, अब तो हम टनन अनन करेंगे। अब पूछते हैं भाई अब कहाँ जाना है, आज का जो टारगेट था वो तो कंप्लीट हुआ हाँ करके। और अब पूछा जाए भाई से कहाँ कहाँ जाना है, कौन कौन सा जगह है यहाँ पे है, अगर तो जाएंगे और एक्सप्लोर करेंगे फिर दिखाएंगे आपको और क्या क्या है जगह यहाँ दिखाने लायक। ये वाला क्लिफ की बात करें ना आप? अच्छा, इट लुक्स एंड रिजेंबल्स लाइक अ हॉर्स। ओके, वन इज द हॉर्स हेड ना? ओके ओके, अच्छा द ब्रोकन पार्ट इज इट्स आईज। ओके एंड दिस इज द बॉडी, हॉर्स हेड ओनली। अच्छा ओके, तो फाइनली अब हा वैली को करते हैं गुड बाय, हा को बाय मतलब हा वैली को गुड बाय करते हैं और फिर चलते हैं आप जर्नी शुरू करते हैं वापस से पारो की तरफ। पारो का डिस्टेंस जो है यहाँ से 70 किलोमीटर की लगभग है, और वापस से इस बार फिर से सेम रास्ते से जाएंगे। उस समय जब आए थे तो कितनी धूप, मतलब कितना ठंड था, और अभी देखो कड़ाके की धूप भाई, एकदम गजब धूप है ना, बहुत ही जबरदस्त। फिर से रुके क्या फोटो वोटो लेने मनी बाबा? हाँ रुक जाते हैं भाई, करना क्या आज तो कोई काम और है नहीं है ना, तो चलेला बाबा का ही चलेला ले लेला लेला कर लेना है। चलेला 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 वो बहुत सुंदर है यार, बहुत सुंदर है, मतलब कितना भी देख लो कैप्चर कर लो ना लेकिन आपका मन नहीं भरता। और सन का पोजीशनिंग अभी जो है ना वो बहुत अमेजिंग है, देखो क्लाउड्स देखो ना यार, क्लाउड्स सामने देखो यार, यहाँ गाड़ी लगा करके फोटो ले रहे हैं, गजब है यार गजब है, बिल्कुल इट्स सो ब्यूटीफुल, बहुत ही खूबसूरत यार। तो कल हम और भैया जाएंगे, कहाँ जाएंगे? तो हम जाएंगे पारो नेस्ट में, तो उसी की प्लानिंग, टाइगर नेस्ट सॉरी पारो नेस्ट बोलो, टाइगर नेस्ट जाएंगे और उसी बात की प्लानिंग चल रही थी कि हाँ कल कैसे करना है। तो भैया से बोला कि एक काम करेंगे, सुबह उठ करके हम और आप चलेंगे टैक्सी लेकर के, और हमारे होटल से 7 किलोमीटर ना,
अच्छा 5 से 6 किलोमीटर ही है इट इज़। तो सुबह में उठ करके हम लोग चले जाएंगे टैक्सी लेकर के, एंड देन विकास को बोलेंगे जब वो तैयार हो जाएगा वहाँ लोकेशन ड्रॉप कर देंगे और फिर वहाँ से वो ही विल पिक अप एंड देन वी कैन गो टू आवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन दैट वुड बी पुनाखा। तो टाइगर नेस्ट आपको दिखाएंगे हम भाई, लास्ट टाइम जो छूट गया था तो वो टाइगर नेस्ट जरूर दिखाएंगे। और उसका ट्रैकिंग है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है ट्रैकिंग, बट वी विल बी डूइंग इट। सो इट सेज यू आर अंडर CCTV सर्वेलेंस तो डू नॉट लिटर एंड दैट्स वेरी गुड। एक जगह वहाँ पे बोर्ड भी बना हुआ था जिसमें लिखा हुआ था यार अगर आप यहाँ पे जो है ना पॉटी और सुसु करते हुए पकड़े जाते हो ना अंडर CCTV सर्वेलेंस तो भाई 10,000 रुपये का जुर्माना है, तो वो काम भी नहीं करना है यहाँ पे। तो ओपन में डेफिकेशन एंड यूरिनेशन इज़ नॉट अलाउड हियर, दैट इज़ अ वेरी वन गुड थिंग। तो वापस से आपको दिखा दिया हाफ चलेला पास और अब यहाँ से निकलते हैं क्योंकि यहाँ पे ठंड जो है ना हवा बहुत तेज चलती है इसलिए यहाँ पे ठंड बहुत जा रहा है। कीप सेफ डिस्टेंस फ्रॉम द व्हीकल। सोचा भाई यहाँ आए हैं तो एक बार इसको घुमा ही लेते हैं है ना। ओके ये वाले हाथ से तो राइट हैंड से घुमा ही लेते हैं इसको प्रेयर वाला। चार होने जा रहे हैं और वापस की जर्नी शुरू हो गई है। बहुत ही थकावट भरा दिन रहता है, वापस जब आप जा रहे हो तो थोड़ा आपका एनर्जी लेवल डाउन रहता है, तो भाई कुछ बोलने का मन नहीं करता है। जस्ट आप रिकॉर्ड तो कर लेते हो लेकिन उसमें जो है एनर्जी बहुत ही कम दिख रहा होता है, तो ऐसा नहीं सोचना है। वापस थक जाते हैं भाई, दिन भर का काम करना, रात को जगना, ये बहुत सारा प्रोसेस है। इसमें धीरे 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 क्या होता है, बैटरी जो है लो परसेंटेज पर चला जाता है। कोई नहीं, अभी घर जाएंगे, वापस से कॉफ़ी पियेंगे और फिर रिचार्ज होकर के फिर से वापस से एनर्जी भर करके आएंगे। तो वापस से आ गए हैं भाई पारो सिटी में और सामने देखो BYD की गाड़ी जा रही है इलेक्ट्रिक। यहाँ पे बहुत सारी दिखाई दी मुझे इलेक्ट्रिक कार, और भूटान के अंदर जो है ना इलेक्ट्रिक कार को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाता है एज बिकॉज ऑफ जो है लो पॉल्यूशन एंड ऑल। और देखो ये फाइनली यार पारो सिटी के अंदर ऑलमोस्ट इंटर करने ही वाले हैं। बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है, मतलब दिन में तो खैर जो दिख रहा था सामने जो है वो गोल्डन वाला जो आवर होता है ना बिल्कुल ही मतलब पहाड़ों के ऊपर देखा जाए तो ये गोल्डन गोल्डन सा दिख रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। हमारा एनर्जी लेवल बिल्कुल डाउन हो चुका है, थक गए यार। ठंड में क्या होता है ना कि बॉडी जो है ना सारा हीट लगा देती है भाई अपने आप को गर्म करने में। सारा हीट नहीं, सारा एनर्जी, ये थक गए, थकान का ये सब निशानी है कि भाई सारा एनर्जी लगा देती है भाई हीट जनरेट करने में, तो आप ऑटोमेटिकली थक जाते हो। देखो इस पहाड़ के ऊपर यहाँ पे देखो कितना अच्छा गोल्डन गोल्डन दिखाई दे रहा है भाई। वापस से आ चुके हैं भाई पारो मार्केट में, आपका फिर से स्वागत है, तीसरी बार स्वागत कर रहे हैं, एक बार रात में, एक बार दिन में और अब फिर से शाम में। टिन भैया को बोल रहे हैं यहाँ सस्ते में आईफोन दिला दो, आधा किडनी बचा है। थिम्पू आई विल गेट चिपेस्ट, ओके ओके आई विल सी। अरे भाई 1,25,000 1,25,000 कार्ड पेमेंट, कार्ड पेमेंट, सम एक्सेप्ट द कार्ड बट वी विल सी वंस। ओके नो प्रॉब्लम। देखिए इतने देर में टिन भैया भी जो है ना थक गए इसीलिए लेफ्ट राइट हो रहा है उनका भी, कोई बात नहीं होता है ऐसा। बहुत ही जबरदस्त लाइटिंग है ना, लाइट कंडीशन कितना अच्छा है। ये देखो पेट्रोल पंप है, यहीं घुसा देते यार पेट्रोल पंप में, सुबह ले लिया जाएगा। पांचू रिवर है ये जो रात में आपको दिखाया था हमने। अब यहाँ से सीधे जाना है हमें और सीधे जाकर के हम वॉच टावर पे जाने वाले हैं। यहाँ देखो यार सामने बादल कितने रेड रेड दिखाई दे रहे हैं, मतलब पहले गोल्डन दिख रहा था अब रेड दिख रहा है, बिल्कुल सनसेट हो गया है, अंधेरा तुरंत ही हो जाएगा। तो 5-10 मिनट की बात है हम वॉच टावर पर पहुँच जाएँ, उसके बाद अंधेरा हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, सब कुछ दिखाई देगा, हमें कुछ दिखा भी पाएंगे आपको।
सो दिस इज़ नेशनल म्यूजियम ऑफ भूटान, जो कि ना पहले वॉच टावर हुआ करता था और अब जो है सो नेशनल म्यूजियम बना दिया गया है, जो कि वहाँ पे जो फोर्ट दिखा था हमें ना पारो का, उसके जस्ट ऊपर था। तो अभी फ़िलहाल हम लेट हो चुके हैं तो यहाँ पे ये तो बंद हो गया है, तो अब नीचे चलते हैं और नीचे से कहीं से व्यू दिखाने की कोशिश करेंगे। वो वहाँ था वॉच टावर या फिर म्यूज़ियम बोला जाए उसे, तो बट वो बंद हो चुका था एज बिकॉज हम बहुत लेट आए यहाँ पे। और ये है पारो सिटी और देवदास तो हम लोग आई, तो भाई ये पारो सिटी है और देवदास तो हम हैं ही, और चंद्रमुखी तो बताइए आपको कहाँ है। तो भाई थोड़ा सा चल लो और सांस फूलने लगता है, चलो भाई यहाँ से चलते हैं। तो यहाँ पे आए थे हम पूछने के लिए, वो हॉट स्टोन बाथ होता है यहाँ पे, जो कि मिनरल से भरा हुआ पानी होता है ना, जिसको गर्म स्टोन करते हैं और उसके बाद फिर उसको पानी में डाल देते हैं, जिससे बहुत सारे मिनरल्स भी मिला होता है और बहुत सारे जड़ी बूटी पता नहीं क्या क्या डालते हैं यार। तो उसी के लिए हम आए थे यहाँ पे कि अगर अभी अवेलेबल होता तो हम कर लेते, फिर पता चला कि नहीं यार उसको प्रिपेयर करने में 2-3 घंटे लगता है, तो आपको पहले बताना पड़ेगा कि हाँ आपको जो है ये बाथ लेना है, तब फिर वो कर्म के रखेंगे प्रिपेयर, तब जा करके आप बात ले सकते हो। तो अभी तो फिलहाल के लिए कैंसिल ही कर दिया हमने कि इतना समय नहीं है यार, ऐसा इमीडिएट नहीं सोचे हैं ना, सोचेंगे कि हाँ भाई ये बात करना है कि नहीं करना है। तो भाई ठंड में तो ये वाला फीलिंग होता ही होता है कि हाँ भाई करना है कि नहीं करना है, अभी करें बात या छोड़ दें, भाई नहाने के लिए तो सोचना ही पड़ता है भाई ठंड में। हाँ तो फाइनली पहुंच गए भाई होटल, तो वापस आ गए रूम पे और अब जो है सबसे इम्पॉर्टेंट काम है सारा डाटा ट्रांसफ़र करना। डाटा ट्रांसफ़र करने के बाद फिर एडिट करना, तो टाइम तो ऑलमोस्ट 8 बज गए, एडिट करते करते 9 बजेगा 10 बजेगा, उसके बाद फिर अपलोड होगा। अपलोड होने में अनदर 1-2 घंटा, पर डिपेंड करता है कि भाई स्पीड कैसा है। तो अब काम चालू करते हैं, तो यहाँ काम चालू हो गया। वर्जिन मोजिटो जो है कॉम्प्लीमेंट्री दिया गया, आज कल चाय पिलाया गया था गर्म चाय, आज जो है ठंडा वर्जिन मोजिटो दिया गया एकदम बर्फ़ डाल करके। बोला गया दिमाग ठंडा रहेगा रात में काम करते करते, कहीं गर्म ना हो जाए। लगते हैं अब काम करने में, मिलते हैं आपसे कल। तो इस एपिसोड को यहीं पर करते हैं समाप्त और आज की सेवा यहीं करते हैं समाप्त, मिलते हैं आपसे कल सुबह। कल सुबह अब हम निकलेंगे पारो से टाइगर नेस्ट के लिए, और टाइगर नेस्ट की जो चढ़ाई होगी वो चढ़ेंगे कल सुबह। तो स्टे ट्यून्ड टू दिस चैनल, और अगर आपको पसंद आया हो तो भाई लाइक करना और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। चलें फिर अब शुरू करें कार्रवाई इस पर।